आप सर आज आप भी सफाई अभियान में लगे हुए हो, कोई वजह? देश के लिए जहाँ काम हो सबसे आगे रहते हैं। क्या सर? देश के लिए जो भी काम हो उसमें सबसे आगे रहते हैं। अच्छा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग, वो तो है तेरे दिल में। हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता? नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। निकाला जा रहा है कि अगर पानी जमेगा तो डेंगू के होंगे, मच्छर होंगे और उससे देखो आज स्वच्छता दिवस पर एक बात मैं कहना चाहूँगा। आज सफाई करते वक्त देखो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, हालांकि मुझे आदत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, लेकिन एक बात ये बोलना चाहूँगा मैं कि जब भी आप कुछ करते हैं, जब भी आप कोई भी प्लास्टिक होती है, कोई भी कूड़ा होता है, कोई भी कचरा होता है, तो उसको सही स्थान पर रखिए, ठीक है। जो आसपास डस्टबिन है उसको वहीं पर रखिए, कहीं ऐसे रैंडमली मत फेंक दीजिए, क्योंकि आज मेरे हाथों पे छाले पड़े हैं तो मुझे उसका दर्द महसूस हो रहा है। जो रोज़ सफाई करते हैं उनको उसका कितना दर्द होता होगा। कभी इस हिसाब से मत काम करिए कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो जिनका काम है तो वो करेंगे तो हम कचरा फैलाते हैं, इस पर्पज़ से कभी मत करिएगा। आसपास डस्टबिन दिखे तो ज़रूर वहाँ पर जो है कूड़े को डालिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, सरकार से इस बात की गुजारिश है कि आप हर जगह पर डस्टबिन ज़रूर रखवाएँ, ताकि लोग भी इस बात से जागरूक हों और वो कूड़े को कूड़ेदान में ही डालेंगे, ठीक है। और साथ में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, आज दिल से उनको हाथ जोड़ के नमन, आप बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे देश के लिए। हमें पता नहीं था आज जब सुबह आ रहे हैं तो उसका रियलाइजेशन हो रहा है कि क्यों हम जब सुबह उठते हैं, जगते हैं तो हमारे पार्क, हमारी गलियां साफ मिलती हैं। ये सब आप लोगों का देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज बस यही बोलना चाहेंगे कि ये जो गंदगी फैलाई है इंसानों ने फैलाई होगी, तो सफाई से ज़्यादा, सफाई करने से ज़्यादा सफाई रखना ज़रूरी है। इसलिए आप प्लीज़ पूरे देश में गंदगी ना फैलाएं और कहीं पर भी कूड़ा ना फेंकें। डस्टबिन ढूंढें या अपने आपको ही डस्टबिन बना लें, अपने पास रखें। जादू हद कर दे।
हम और आप जैसे लोग ही वापसी से गंदगी करते हैं, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें एक दिन ऐसा देश बनाना जिस दिन सफाई अभियान की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि तो गंदगी ही नहीं होगी तो सफाई अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए आप गंदगी ना करें। स्वराज दादी में सर सबसे पहले हैं, स्वराज सबसे पहले हैं।